जी शेख, मेरा सवाल ये था कि अपने आप को अहले हदीस कहना ठीक है, क्योंकि कुरान में तो हमें मुसलमान कहा गया है। बिल्कुल, खुसूसन अपने आप को अहले हदीस कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस उम्मत में जो है 73 फिरके होंगे, तो अब वो जो 73 फिरके हैं, नबी के बताने के मुताबिक उन 73 फिरकों में एक ही फिरका ऐसा है जो हक पर होगा। अब उस फिरके की तमीज कैसे होगी, वो फिरका कौन सा है? तो वो तमीज करने के लिए हम अहले हदीस नाम रखते हैं। अहले हदीस कहने का ये मतलब थोड़ी है कि हम मुसलमानों से बाहर कोई जमात हैं, हम मुसलमान ही हैं, लेकिन मुसलमानों में जो बहुत सारे फिरके हैं उनमें जो अहले हक फिरका है वो कौन सा है, तो ये तमीज करने के लिए अहले हदीस नाम दिया जाता है। और ये नाम कोई ऐसा नया नहीं है, ये नाम अगर आप देखेंगे तो सहाबा और ताबईन के जमाने से मुख्तलिफ नामों से जो फिरके नाजिया है उसको याद किया जाता रहा है। किसी जमाने में अहलु सुन्ना कहा जाता था, इसी तरह से जो है मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ नाम दिए गए, फिरके नाजिया कहा जाता था किसी जमाने में। तो जब जो है मुसलमानों में मुख्तलिफ जमातें पैदा हुई, बहुत सारी जमातें गुमराह हुई, तो जो फिरका या जो जमात अहले हक है, जो हक पर है, उसने लोगों से अपनी तमीज करने के लिए अपना एक नाम रखा। तो इस ये नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है।